ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन फरमाउंदे ने, एक दिन महान दार्शक सुकरात अपने शिष्यां दे नाल बैठे सन। किसी गंभीर विषय उत्ते चर्चा चल रही सी। उदों एक जोची उत्ते आ गया जो चेहरा वेख के चरित्र दसन लई मशहूर सी। पहला उसने गौर नाल सुकरात का चेहरा वेख्या, फिर उन्होंने शिष्यां नूं बोलिया, तुसी लोकां ने इस व्यक्ति नूं अपना गुरु बनाया है, लेकिन इसका तां चरित्र बहुत गंदा है, क्योंकि इस दियां नासां दी बनावट दस रही है कि एक क्रोधी है। इन्हां सुनदे ही सुकरात दे चेले ज्योतिषी नूं मारन भजे, लेकिन सुकरात ने उन्हां नूं रोक दिता ते कहा, ए दे पाशा, मतलब बॉडी लैंग्वेज दे जानकार हन, इन्हां नूं बोलन दिओ। उसके बाद ज्योतिषी तेज आवाज विच बोलिया, मैं सच नूं लुका के सच की बेइज्जती नहीं करना चाहुंदा, क्योंकि इस व्यक्ति दे सिर दी बनावट तो पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा लालची है, अति थोड़ा सनकी भी है। इस दे बुल्लां तो पता लगता है कि यह भविख विच देश द्रोही निकलेगा। सुकरात मुस्कुराते रहे, फिर उन्होंने उस ज्योतिषी नूं उपहार दे के इज्जत दे नाल विदा किया। लेकिन एक चेले तो रिहा नहीं गया, उसने पूछी लिया, गुरुदेव, वो आदमी लगातार बकवास करता रहा, फिर भी तुसी उसनू सन्मान दिता, मेरी तो समझ विच कुछ नहीं आ रहा। सुकरात गंभीर होके बोले, उस व्यक्ति ने बकवास नहीं की, सगों उसने मेरी दे भाषा पढ़ी है। यह सुन के सारे चेले हैरत भरिया नजरां नाल सुकरात नूं देखन लगे। फिर एक चेले ने पूछया, यानी तुसी ओहो जहे ही हो जिवें तुहाडी दे भाषा है? सुकरात ने बिना संकोच दे कहा, हाँ मैं ओहो जहा ही हाँ, लेकिन उसने मेरे विवेक उत्ते ध्यान नहीं दिता, जिसकी शक्ति दे नाल मैं अपनी दे भाषा नूं कैद करके रखदा हाँ।